नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक कल देर रात को समाप्त हुई। तो क्या इस बैठक में फैसले लिए गए हैं, हम आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कैबिनेट में फैसला, 10 डे बोर्डिंग स्कूल बनेंगे, 5.5 साल का बच्चा भी पहली में ले सकेगा दाखिला। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पूरी होने के बाद पिछले कल शाम को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट ने 17 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट को अनुमोदित कर दिया। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 10 विधानसभा क्षेत्रों में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी। यह स्कूल ज्वालामुखी, नादौन, नगरोटा, बगवां, गगरेट, बड़सर, ज्वाली, जयसिंहपुर, घुमारवी, भोरंजोर, सरस्वती नगर, शिमला में खोले जाएंगे। इससे पहले कैबिनेट ने सिर्फ 4 डे बोर्डिंग स्कूलों को अनुमोदित किया था। मंत्रिमंडल की इस बैठक में नई माइनिंग पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी गई। इसमें अवैध खनन को रोकना और रोजगार के माध्यम पैदा करना मुख्य लक्ष्य है। कैबिनेट ने उद्योग विभाग में माइनिंग गार्ड के 80 पद भरने के लिए एक नई स्कीम को भी मंजूरी दी। यह स्कीम पहले से की जाने वाली भर्ती की पॉलिसी से अलग होगी। मंत्रिमंडल ने राज्य के टोल बैरियर या एंट्री टैक्स बैरियर की नीलामी और टेंडर करने का फैसला भी लिया है। इसके जरिए सरकार प्रतिवर्ष 150 करोड़ राजस्व कमाती है। इनमें एंट्री प्वाइंट पर फास्टैग सुविधा शुरू करने का फैसला भी हुआ है। राज्य के स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए तय की गई 6 साल की आयु सीमा की शर्त में भी कैबिनेट ने 1 टाइम छूट दे दी है। अब 30 सितंबर 2024 तक 6 साल की आयु पूरी करने वाला बच्चा भी मार्च 2024 में पहली कक्षा में एडमिट हो पाएगा। इस तरह से 5.5 साल की आयु के बच्चों को इस साल एडमिट कर लिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने एयरलाइंस एयर के साथ शिमला से धर्मशाला के बीच हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए MOU साइन करने का फैसला किया, जो जून 2024 की अवधि के लिए होगा। बता दें, हिमाचल में लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल से बढ़कर 21 साल करने के लिए राज्य सरकार वर्तमान बजट सत्र में ही विधेयक रखेगी। इसके लिए कैबिनेट ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है।